नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संवाद। 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का किया वितरण। अब गांव के सभी घरों को मिलेगी पहचान, मिलेगा मालिकाना हक। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पूर्वोत्तर का दौरा। ICARNEH क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर का दौरा। कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय और संस्थान के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल पर व्यापार शिखर सम्मेलन हो पाया। अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों को मिलेगा खाद और बीज। CSC और कृषक भारती कोऑपरेटिव यानी कि क्रभको के बीच हुआ है समझौता। 4,00,000 ग्राम स्तर के उद्यमों के जरिए किसानों की उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों तक पहुंच होगी अब सुनिश्चित। और सहारनपुर में लकड़ी के काम करने वाले कारीगरों को मिली नई पहचान। यहाँ के उत्पादों को मिला GI टैग। GI टैग होने से लकड़ी के कारीगरों को मिलेगा बढ़ावा और मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। राज्य में कुल 1,71,000 लाभार्थियों को योजना के तहत ई कार्ड मिला है। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को उनकी संपत्ति का अधिकार चिन्हित कर उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। आपको ये जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ये मिलने के बाद, एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ, और पहले ये नहीं था तो क्या लगता था? जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रख कर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूं, और मैं बहुत खुश हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कितना लोन मिला आपको, क्या किया पैसों का? मुझे 2,90,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ है। और क्या किया उसके? आपने दुकान बनाई? मैंने एक जगह स्थायी किराए से दुकान ली ताकि मैं जो रोड पे जो मेरे को लोग भगा देते पिछले 8-10 साल से, जहाँ जाता ठेले पे लगाता यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ, इस लोन के पैसे से मैंने स्थायी दुकान किराए से ली और मैंने जो मेरे पास पहले माल के लिए पैसे नहीं थे उस पैसे का मैंने माल भरा और कुछ पैसे मेरे मकान में भी मैंने लगाए। सर एक निवेदन करना चाहता आपसे मैं, छोटा सा। बताइए बताइए। मैं माँ नर्मदा के पावन तट पर, मेरा गाँव है और माँ नर्मदा का नाभि कुंड है और मेरा सौभाग्य जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं मेरे गांव हंडिया वालों की और हरदा जिले की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव पधारें कभी। देखिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हंडिया बुलाने का निमंत्रण दिया है और माँ नर्मदा के तो पास आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर के ICARNEH क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर का दौरा किया। मेघालय सरकार के कृषि मंत्री भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अस्थायी दर्जे के कर्मचारी जिन्हें हाल ही में स्थायी दर्जा प्राप्त हुआ है उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही कृषि क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वो लगातार शोध करते रहें ताकि किसानों को तकनीक से जोड़कर उन्नत बनाया जा सके। समुदाय और संस्थान के कर्मचारियों को बड़ी मेहनत करने और संस्थान को आगे ले जाने के लिए प्रयास करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल पर व्यापार शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में
पॉम ऑयल पौधे को सींचने और उसके वृक्षारोपण पर एक फिल्म के प्रदर्शन के साथ हुई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पॉम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी पहलों के जरिए सरकार के निर्णय से पूर्वोत्तर राज्यों को देश के पॉम ऑयल हब में परिवर्तित किया जाएगा। तोमर ने यह भी कहा कि फसल के बेहतर उत्पादन के लिए समान भूमिका निभाने पर बल दिया गया और बीज नर्सरी, ड्रिप सिंचाई, तकनीकी सहायता, मिलों की स्थापना, खरीद केंद्र तथा किसानों के प्रशिक्षण हेतु बड़ा निवेश करने का उन्होंने आश्वासन दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज और सहायता मिलने से किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलेगी तथा बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ यहां स्थापित ऑयल पाम मिलों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ साथ एक व्यापक रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री का जो पूर्वोत्तर का दौरा रहा, कहां कहां गए, किन किन राज्यों में किन किन चीजों को उन्होंने देखा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के कामरूप जिले में एक के मिर्जा कस्बे में शहद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन भी किया। पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ताकि किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। असम में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों का दौरा कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड के तहत एक प्रसंस्करण इकाई की भी स्थापना की गई है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। सरकार कह रही है कि खेती के साथ साथ जो छोटे छोटे रोजगार है वो भी करें और इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी अलग से रखे गए हैं। ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, सरकार चाहती है कि मधुमक्खी पालन पालकों को उनके उत्पादों के लिए भारत और विदेशों में एक अच्छा बाजार मिल सके। गुजरात के आनंद में मधुमक्खी पालकों के हित में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई जिसका फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। देश में 86% छोटे किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक बेहतर रोजगार का अवसर हो सकता है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। उनमें से कुछ के पास बहुत कम जमीन है और कुछ के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और वे मजदूर के रूप में काम करते हैं, वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों से केंद्र की योजनाओं, खासकर 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का लाभ उठाने का भी जिक्र किया। और हमारे देश में काष्ठ कला बरसों पुरानी है। यहाँ की कारीगरी की विदेशों में भी काफ़ी चर्चा होती है, खासतौर पर यूपी का सहारनपुर जहाँ की विशेष शैली की खासी पहचान है। अब यहाँ का वुडन क्राफ्ट को एक नई ऊर्जा मिल गई है क्योंकि यहाँ के उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर अपनी विशेष शैली की काष्ठ कला से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का काष्ठ उद्योग दुनिया के नक्शे पर हस्तकला की कारीगरी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कुटीर उद्योग पर आधारित इंडस्ट्री है। लाखों कारीगरों द्वारा लकड़ी पर की गई नक्काशी के जरिए भारत विश्व भर में करोड़ों रुपए का वार्षिक कारोबार करता है। इससे जुड़े हुए निर्यातकों का कहना है कि यहाँ के उत्पाद विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप हैं और इन उत्पादों को जीआई टैग मिलने से देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली है। जीआई होने से ये है कि वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी वुडन हैंडीक्राफ्ट की बात होगी, अगर कोई सर्च करेगा तो वो सहारनपुर का उसमें नाम आएगा। ये हमारी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। सहारनपुर का काम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होने के बाद लगभग दोगुना हो गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हैंडीक्राफ्ट जो है सहारनपुर का विश्वविख्यात है। और आज सहारनपुर के अंदर 1,50,000 लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट के काम में जुड़े हुए हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि ये उत्पाद काफी सस्ते एवं लोकप्रिय हैं। हैंडीक्राफ्ट का काफी नाम सुना है, तो अभी हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम इनके यहाँ पर आए हैं तो बहुत डिफरेंट वैरायटी है, ऐसा लग रहा है कि कारीगरी ने मतलब एक एक हाथ का बनाया हुआ काम है। रेंजेस अच्छी है यहाँ की, रेंज अच्छी है यहाँ की, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस ठीक है यहाँ का। सहारनपुर में वुडन क्राफ्ट उन सैकड़ों लोगों की पहचान है जिन्होंने ऐसे उत्पादों का निर्माण कर न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की पहचान को नई दिशा दी है बल्कि वोकल फॉर लोकल को भी चरितार्थ करने का कार्य किया है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज सहारनपुर। और कॉमन सर्विस सेंटर और क्रबको के बीच एक समझौता है हुआ है उर्वरक को लेकर। कॉमन सर्विस सेंटर ने 4,00,000 ग्राम स्तर के उद्यमों के जरिए किसानों को सहायता पहुंचाने का काम किया। कॉमन सर्विस सेंटर ने 4,00,000 ग्राम स्तर के उद्यमों के जरिए किसानों के उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों तक पहुंच सुनिश्चित की है।
कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए खाद और बीज की अब सीधे तौर पर मार्केटिंग की जाएगी। किसानों को आसान तरीके से खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर सीएससी और कृषक भारती कोऑपरेटिव यानी कि क्रबको के बीच एक समझौता हुआ है। अब सेवा केंद्रों के जरिए क्रबको उत्पादों की बिक्री और विपणन का काम किया जाएगा, यानी कि गांव-गांव जो कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं उनके माध्यम से सहायता पहुंचाई जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए क्रबको उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग का काम भी किया जाएगा। इनमें उर्वरक मसलन आयातित यूरिया, डीएपी, एनपीके, एनपीएस जैसे उर्वरक शामिल हैं जो अब किसानों को आसान तरीके से मिल जाएंगे। सिटी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट, प्रमाणीकृत बीज और हाइब्रिड बीज जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। इससे पहले सीएससी ने बीज, कीटनाशक, कृषि आदानों की उपलब्धता पर भी पहले भी काम किया था। कृषि मशीनरी को किराए पर देने या लेने तथा कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए कृषि उपज के कारोबार के लिए कृषि सेवा मंच का भी गठन किया गया था। आयातित यूरिया, डीएपी, एनपीके, एनपीएस, जैव उर्वरक, सिटी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट, प्रमाणीकृत बीज और हाइब्रिड बीज उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ जो बीएलए तथा कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए कृषि उपज के कारोबार को बढ़ावा देने का काम करेंगे। क्रबको द्वारा उर्वरकों, कृषि इनपुट और बीजों का विनिर्माण किया जाएगा। आयात और विपणन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और कॉमन सर्विस सेंटर और क्रबको के बीच में जो समझौता है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश त्यागी जी, वो सीधे जुड़े हैं। दिनेश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान समाचार से बात करने के लिए। थैंक यू संतोष जी। मैं सबसे पहले आपसे सर यही समझना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर के देश भर में 4 लाख से अधिक सेंटर अलग अलग गांवों में, जिलों में, ब्लॉकों में खुले हुए हैं, कितना फायदा मिल पाएगा जो सीएससी और क्रबको के बीच जो समझौता हुआ है खासतौर से किसानों को? थैंक यू सो मच हमें इसमें भाग लेने के लिए। सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर किसानों के लिए काम पहले से कुछ कुछ करता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान श्रम योगी मानधन है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और किसानों को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से केवी के साइंटिस्ट से भी जोड़ा है एक्सटेंशन वर्क के लिए भी। तो हम कुछ मदद तो उनकी पहले से करते थे, लेकिन फर्टिलाइजर और सीड जो बहुत जरूरी होता है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनको थोड़ी सी तकलीफें होती थी, दूर से लाना होता था, लेकिन अगर उनके घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाए तो उनके लिए बहुत बहुत सुविधा होगी। That will be great. एक तो टाइमली मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी और रीजनेबल प्राइस whatever decided will be available to them. तो इसीलिए हमने क्रिपको के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। वे क्रिपको ने कहा है कि उनके पास जितने भी फर्टिलाइजर्स और सीड्स हैं, ऑल द फर्टिलाइजर सीड्स, वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर क्रिपको के पोर्टल, हमारे पोर्टल पर ऑर्डर प्लेस करेगा, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, किसानों की जितनी जरूरत है उसको हिसाब से, और वो सप्लाई कर दिया जाएगा ताकि वो किसानों को वो मटेरियल टाइमली दे सके। इससे बहुत सुविधा होगी, किसानों की जिंदगी तो सुधरेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एंड हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम नए जो सीड्स हैं या नई जो वैरायटीज हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। क्रिपको ने ये एग्री किया, कुछ एक्सटेंशन वर्क भी हमारे साथ करेंगे ताकि हम ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग किसानों की भी कर सकें, नए प्रयोग में जो क्रिपको का इनिशिएटिव है उसको भी हम गांव में पहुंचा सकें, और क्रिपको के जो बाकी जो उनका एडवर्टाइजमेंट है वो भी सीएससी के बीएलई गांव में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को समझा पाए। सर, एक चीज मैं और ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये जो कॉमन सर्विस सेंटर के जो 4 लाख सेंटर है देश भर में, सभी सेंटर खाद और बीज का काम करेंगे, कुछ निर्धारित कुछ निश्चित सेंटर होंगे उनके माध्यम से वितरण किया जाएगा? अभी फिलहाल शुरू में उन्होंने सिर्फ 5 स्टेट्स शुरू किया है, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग चैनल है, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब करने में उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो शुरू में 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट में शुरू किया जाएगा, और जैसे धीरे धीरे हम लोग उन कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप बढ़ेगी, देन दे विल ओपन। बट दे प्रॉमिस के सारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से क्रिप्को के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए। अच्छा, अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो क्या गुणवत्ता में भी सुधार होगा, प्रमाणीकृत बीज भी किसानों तक पहुंचेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो किसानों को जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा परेशानी होती है, और कोई बताने समझाने और उनको अवेलेबल, उनके घर के पास अवेलेबल कराने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो कॉमन सर्विस सेंटर उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, और एक्सटेंशन का प्रोग्राम है, दैट ऑल्सो दे विल हेल्प देम, ताकि लोगों को उनके घर के पास, स्पेशली किसानों को उनके घर के पास में क्वालिटी प्रोडक्ट टाइमली मिल जाए।
हमारे कुछ बच्चे तो महाराष्ट्र में फार्मर को उसके खेत में जाकर के फर्टिलाइजर सप्लाई कर देते। जी, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे रबी या खरीफ की जब बुआई होती तो कई राज्यों में कई जिलों में खाद की दिक्कत हो जाती है, यूरिया मिलने में दिक्कत हो जाती है, क्या इसमें भी अब आसानी होगी, किसानों को ज्यादा भीड़ लाइन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी और वो नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, जो परेशानियां होती थी अवेलेबिलिटी में या डिस्टेंस में या लोकेशन बहुत दूर होती थी, किसान को तकलीफ होती थी या उसको पता नहीं लगता था उससे पहले सामान खत्म हो जाता था, एंड उन चीजों को समाधान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और किपको का जो एग्रीमेंट है वो बहुत बहुत ही अच्छा है कि अभी अवेलेबिलिटी भी पता होगी और उसके घर के पास होगा और क्वालिटी भी उसको इंश्योर की जाएगी। एक आखिरी सवाल, समय की बहुत कमी, कि वीएलई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी अगर कोई उसके सेंटर से खाद या बीज ले जाता है या फिर रासायनिक खाद ले जाता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या किसान सीधे वीएलई से संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, किसान जो है वो वीएलई को ही बताएगा और इट इज हमारे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्रिप्को को उसका सोल्यूशन और समाधान ढूंढने में मदद करेंगे, एंड क्रिप्को का वैसे एक हेल्पडेस्क नंबर है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी किसान उस हेल्पडेस्क नंबर पे फोन करके कर सकता है, लेकिन हमारे वीएलई उसकी मदद करेगा, किसान अपने आप शायद नहीं कर पाए, हमारा जो असिस्टेड फॉर्मेट है वो हम उसकी मदद करेंगे। एक लास्ट में, हम लोग फसल बीमा योजना भी करते हैं देश में, 70% फसल बीमा योजना सीएससी के माध्यम से होता है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, तो हम किसानों की चारों हर चीज में मदद करेंगे, इनपुट सप्लाई, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जैसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड भी दिलाते हैं तो क्रेडिट भी मिलेगा, कम्प्रीहेंसिव पैकेज है, एंड फर्टिलाइजर एंड सीड्स अवेलेबिलिटी विल ऐड टू आवर बास्केट ऑफ सर्विसेज, ताकि हम किसान की हर जगह हर चीज में मदद कर सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और उसकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी किसानों की सुविधा पर बात करने के लिए। तो कॉमन सर्विस सेंटर और क्रिप्को के बीच में एक समझौता हुआ है, अब देश भर के जो भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर है वहां से कोई भी किसान खाद बीज आसानी से ले सकता है। बढ़ते दूसरी खबरों की ओर, बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य रही। मंडियों में मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बाद इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6,560 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 6,580 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की बलिया मंडी में इसी तरह मसूर के सौदों में 5 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,285 रुपए, जो 2 अक्टूबर को 7,280 रुपए था। मसूर के भाव में उठाव का सिलसिला दादरी मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 2 अक्टूबर को मसूर का भाव था 7,700 रुपए, 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,850 रुपए पर। गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 4 अक्टूबर को मसूर बिना किसी उठापटक के 7,260 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो बलरामपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,400 रुपए, सीतापुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए, वाराणसी मंडी में मसूर 7,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में मसूर के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीद दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है।
घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 62 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,240 रुपए, जो 30 सितंबर को 1,302 रुपए था। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। 30 सितंबर को यहां मक्का का भाव था 1,765 रुपए, 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 365 रुपए का उछाल आया और भाव 2,130 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 अक्टूबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,670 रुपए, 4 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,680 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही एटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 4 अक्टूबर को पीली मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,740 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,710 रुपए, शिकोहाबाद मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,650 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही कमलागंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,650 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई पर नजर डाले तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,00,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। और कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ में आयोजित सेवा और समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को 29 करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ छोटे छोटे व्यापारियों को अपने कार्य के लिए मिला है। मुद्रा में एक्चुअली डिस्पर्स्ड अमाउंट देखें तो 29 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मुद्रा में सिर्फ छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे लोगों को उनके अपने कारोबार के लिए मिला है। स्टैंड अप इंडिया के तहत प्रधानमंत्री जी ये आदेश दिया कि हर ब्रांच, हर बैंक नहीं, हर ब्रांच, जहां भी उनका ब्रांच है वहां एक SC, एक ST और एक महिला को जरूर क्रेडिट दें, जिससे वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। ये स्टैंड अप इंडिया के लोन, टोटल लोन अकाउंट्स 798 है छत्तीसगढ़ में, उसमें 612 करोड़ का लोन उनको दिया गया है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट विमेन SC ST के लिए। और अंत में बात करते हैं मौसम खेती के और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यही काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहे। अभी तिल की कटाई कर ले, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सरसों की बुआई करते रहे। इसके अलावा ग्वार की कटाई कर सकते हैं।
यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर ले। राजस्थान में मटर की बुआई करे, इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर ले। किसान पालक भी बोए, वहाँ मेथी और लहसुन की बुआई करे। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं, धान के खेत से खरपतवार निकाले, वहाँ धान के खेत में निराई भी करे। किसान गन्ने की रुपाई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहे। यहाँ भिंडी के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे, इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रुपाई कर ले, टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर ले। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करे, अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहे। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल ले। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करे, केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।